तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। थानागाजी रेप मामले को लेकर बड़ा फैसला यहां पर कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। चार आरोपियों को यहां पर उम्र कैद की सजा कोर्ट ने दी है। SC/ST कोर्ट की तरफ से ही सजा का ऐलान किया गया। और इसके अलावा एक आरोपी मुकेश को 5 साल की, यानी जो IT एक्ट है उसमें मुकेश को 5 साल की सजा यहां पर सुनवाई गई है। कोर्ट ने आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है जो पीड़िता को दिया जाएगा। SC/ST कोर्ट ने अशोक, इंद्राज, हंसराज, छोटेलाल को आजीवन कारावास से दंडित किया है, जबकि वीडियो बनाने और वायरल करने के आरोपी मुकेश को 5 साल की सजा सुनाई गई है। तो बड़ा फैसला यहां पर SC/ST कोर्ट का, थानागाजी रेप मामले में, जिसमें बड़ा फैसला सुनाते हुए चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, उम्र कैद की जो सजा है वो दी गई है आरोपियों को, जिसमें चार जो दोषी हैं उन्हें आजीवन कारावास की सजा, जबकि IT एक्ट के आरोपी को 5 साल की सजा यहां पर कोर्ट ने सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपियों पर जुर्माना लगाया जो पीड़िता को दिया जाएगा। SC/ST कोर्ट ने अशोक, इंद्राज, हंसराज, छोटेलाल, ये वो चार दोषी हैं जिन्हें SC/ST कोर्ट की तरफ से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा जिस आरोपी मुकेश की तरफ से वायरल किया गया वीडियो बनाया गया, IT एक्ट की धारा में उसे 5 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है। जुगल किशोर, जी मीडिया संवाददाता, खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुगल, बड़ा फैसला, क्या कुछ आज कोर्ट की तरफ से फैसले के दौरान कहा गया? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, यह जो फैसला आया है, चार आरोपियों को जिस तरीके से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, वही वीडियो वायरल करने वाले आरोपी को 5 साल की सजा दी गई है। इसमें जो जज साहब का कहना है, उनसे जो बात हुई, उन्होंने कहा कि यह मानवता को शर्मसार कर देने वाली बड़ी घटना है, इसलिए अधिकतम कठोर कारावास के साथ आजीवन कारावास की सजा दी गई है, ताकि जो दुष्कर्म की अमर बेल है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लग सके। इन सब बातों को देखते हुए ये न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है और अधिकतम जो सजा का वो ऐलान किया गया है। हमारे साथ में जो कुलदीप जैन साहब हैं, जो पूरी कवर अदे सरकारी वकील है, उससे जानकारी सर क्या कहना चाहिए। तो जुगल किशोर, जी मीडिया संवाददाता, यहाँ पर जानकारी जिस तरह के दे रहे थे और वहां पर जो अधिवक्ता है मौजूद हैं, जो जानकारी आखिर देते हुए कैसे इस कोर्ट पूरे मामले में कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला जो है वो सुनाया गया है। मुकेश को 5 साल की सजा यहां पर कोर्ट की तरफ से दी गई है IT एक्ट के तहत, और इसके अलावा चार आरोपियों को आजीवन कारावास की जो सजा है वो यहां पर दी गई है। चार जो आरोपी जिसमें दोषी करार दिए गए, और उसके बाद अब चारों आरोपियों को यहां पर आजीवन कारावास की सजा कोर्ट की तरफ से सुनाई गई है। तो थानागाजी गैंगरेप मामला, जिसमें एक विवाहिता को अपनी हवस का शिकार इन दोषियों की तरफ से बनाया गया था, वीडियो बनाया गया और उसके बाद वायरल कर दिया गया था, इस पूरे वीडियो का तकरीबन 1.5 साल के बाद इस बड़े फैसले को SC/ST कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। तो पनिशमेंट के बारे में उनको एक बार से जुर्माना हर एक सेक्शन में लगाया गया है, वो अभी यहाँ से कॉपी नहीं मिली है, कॉपी आने पर उन्हें और मुकेश को क्या सजा, मुकेश को मैक्सिमम 5 साल का। आप देख रहे हैं जिस तरीके से हमें यहाँ जो कुलदीप जैन है, एडवोकेट है, उन्होंने हमें जानकारी दी है, उन्होंने बताया कि जो चार आरोपी हैं उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई है, साथ में जुर्माना भी लगाया गया है। वही जो मुकेश नाम का आरोपी है जिसने वीडियो वायरल किया था, उसे 5 साल की सजा दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो सजा का ऐलान किया गया है, उसमें न्यायालय ने कठोरतम अधिकतम जो सजा का प्रावधान था वो सजा का यहाँ ऐलान किया गया है। जी जुगल, सवाल ये भी है कि आखिर सजा का ऐलान हो गया है, एग्जीक्यूशन को ऊपर सवाल उठते हैं। हमने निर्भया जैसा मसला देखा है जो सालों साल खिंचता रहा, कैसे अदालत के अंदर उस मसले को अधिवक्ता जो है वो खींचते हुए नजर आए। एग्जीक्यूशन को लेकर आखिर कब एग्जीक्यूशन हो, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अब सवाल ये भी है कि जो दोषी करार दे दिए गए हैं उनके पास आखिर रास्ते अब क्या कुछ बचते हैं। जी बिल्कुल, कह सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर सजा का ऐलान हुआ है, उनको दोषियों को एक जुर्माना भी लगाया गया है,
बात है। फिलहाल तो दोषियों के आरोपियों को भेज दिया गया है जेल में, लेकिन अगला जो इनका सदन है वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, वो आगे इनकी जो कवायद रहेगी वो चलती रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो निचली अदालत ने जो अधिकतम कठोरतम सजा का प्रावधान था उसके तहत न्यायालय ने फैसला लिया है और तो कठोरतम जो सजा कोर्ट की तरफ से दी जा सकती थी उससे दंडित किया गया है इन आरोपियों को। बता दें आपको, चार दोषी जो इसमें करार दिए गए थे जिसमें इंद्राज, हंसराज, अशोक छोटेलाल, आजीवन कारावास से कोर्ट ने दंडित किया है। इसके साथ ही वीडियो बनाने वाले मुकेश को 5 साल की सजा यहां पर दी गई है। जुगल जी मीडिया संवाददाता लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। जुगल, जरा बताइए इसमें कि आखिर अब जो बचाव पक्ष के जो वकील हैं वो इस पर क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। जी, बचाव पक्ष के वकीलों की अपनी दलीलें थी, हालांकि कोर्ट ने उनकी दलीलों को खारिज करते हुए यह सजा का ऐलान किया है। भले ही बचाव पक्ष के जो वकील है उनका यह कहना है कि अभी हाई कोर्ट में जाकर के वो अपील करेंगे इस फैसले के खिलाफ, लेकिन फिलहाल जो यहाँ की अदालत है उन्होंने सिर्फ एक एक्ट के तहत एक खारिज किया था आरोप, लेकिन बाकी सभी आरोपों में दोषी सिद्ध करते हुए इन सजा का ऐलान किया गया है। और खासतौर से अदालत ने किसी भी तरीके का कंसीडर नहीं किया, उन्होंने जो अधिकतम सजा का प्रावधान था उस सजा का ऐलान किया है ताकि एक नजीर बन सके और लोगों को यह मैसेज जा सके कि इस तरह के। तो यहां पर एक नजीर कहीं ना कहीं पेश की गई है SC/ST कोर्ट की तरफ से, जिसमें इन चारों दोषियों को उम्र कैद की सजा और इसके अलावा एक आरोपी मुकेश को 5 साल की सजा यहां सुनाई गई है। इस पूरे मामले में एग्जीक्यूशन को लेकर, क्योंकि रास्ते अभी कई बचते हैं इन दोषियों के पास जिसके तहत जाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अगर तेज गति से इसी तरीके से सजा जो है वो कोर्ट की तरफ से दी जाती है तो जरूर एक नजीर इस तरीके के मामलों में पेश होगी, क्योंकि हमने देखा है देश भर में जिस तरीके के जो मामले सामने आते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो दोषी हैं वो कोर्ट में कानून का मजाक बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कानून अपनी कठोरतम कार्रवाई करता है तो इस तरीके के फैसले सामने आते हैं जिसमें इन चारों दोषियों को चारों दोषियों को सजा जो है वो उम्र कैद की दी गई है, आजीवन कारावास की, और इसके अलावा मुकेश को यहां पर 5 साल जो IT एक्ट में दोषी पाया गया है उसे 5 साल की सजा यहां पर सुनाई गई है। मुकेश वो शख्स है जिसने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया और उसके बाद उसे वायरल कर दिया। तो थानागाजी गैंगरेप केस में कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला, चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जो तमाम दर्शक हमारे साथ अभी फिलहाल में जुड़े हैं उनके लिए बड़ी अपडेट हम ये इस वक्त दे रहे हैं। एक आरोपी को 5 साल की सजा यहां पर सुनाई गई है और उसके अलावा जुर्माना भी यहां पर कोर्ट की तरफ से लगाया गया। अशोक, इंद्राज, हंसराज, छोटेलाल को आजीवन कारावास की सजा। थानागाजी गैंगरेप केस ये मामला वो है जिसमें एक विवाहिता के साथ इस हैवानियत को अंजाम दिया गया था उसके पति को बंधक बनाकर, और इसमें बड़ी कार्रवाई की गई। अब जो 5 इसमें दोषी हैं उन्हें सजा दी गई है, इसके अलावा एक जो आरोपी है वो जोनाल एक्ट में उस पर जो है मामला चल रहा है, एक आरोपी को इसमें 5 साल की सजा, जो मुकेश है जिस पर IT एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है उसे 5 साल की सजा यहां पर सुनाई गई है। आपको बता दें कि 4 आरोपियों को इसमें दोषी कोर्ट ने माना। दोनों पक्षों की बहस खत्म होने के बाद कोर्ट ने उन तमाम दलीलों को खारिज कर दिया जो बचाव पक्ष की तरफ से दी गई थी और उसके बाद चारों आरोपियों को आजीवन कारावास यानी कि जीवन भर अंतिम सांस तक इन चारों आरोपियों को अब अपना जीवन कोर्ट में काटना होगा, जेल में जो है वो काटना होगा। वह इस पूरे मामले में अभी जो कुछ रास्ते यहां पर बचते हैं, अपर जो अदालतें हैं उनमें अभी अपनी याचिकाएं जो है ये आरोपी लगा सकते हैं। इसके बाद आगे क्या कुछ फैसला आता है ये कहीं ना कहीं देखना होगा, लेकिन अगर हम यहां पर बात करें अदालत की तो नजीर जरूर पेश की गई है।
दरअसल एक विवाहिता को किस तरीके से हैवानियत का शिकार बनाया गया था इस पूरे मामले में और इसकी गूंज पूरे देश भर में सुनाई दी थी। वहीं इस पूरे मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार की तरफ से और जिस तरीके के आदेश दिए गए और कोर्ट ने मित्र इस पर फैसला दिया, तकरीबन एक से डेढ़ साल के अंदर इस पर फैसला आया SC ST कोर्ट की तरफ से। और फैसला सुनाने के बाद जो नजीर एक कहीं ना कहीं पेश की गई है, चार जो दोषी इसमें करार दिए गए उन्हें आजीवन कारावास की सजा कोर्ट की तरफ से दी गई और इसके अलावा एक दोषी को 5 साल की सजा इसमें दी गई है। दरअसल जो मुकेश है उसे वीडियो वायरल करने का दोषी इसमें पाया गया है। इसके तहत IT एक्ट की जो धाराएं हैं वो मुकेश पर लगाई गई हैं और उसके बाद से 5 साल का जो सजा है उसका ऐलान यहां पर किया गया। आपको बता दें कि कोर्ट ने इन आरोपियों पर, इन दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है जो पीड़िता को यहां पर दिया जाएगा। एक लंबी लड़ाई कहीं ना कहीं यहां पर परिवार की तरफ से लड़ी गई है और जिस दौरान यह हैवानियत की घटना सामने आई थी ना सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरा देश हिल गया था और उस पर त्वरित कार्रवाई की गई और उसके बाद अब इन चारों दोषियों को जो बड़ी सजा है, जो अधिकतम सजा इसमें दी जा सकती थी कोर्ट की तरफ से, वो यहां पर दी गई है। एक बड़ा फैसला SC ST कोर्ट की तरफ से इस गैंग रेप के दोषियों को सुनाया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। जहां पर हम आपको लगातार ये बड़ी खबर दे रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर, जहां पर ये बड़ा फैसला सुनाया गया थानागाजी गैंगरेप मसले को लेकर, कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए चार दोषियों को इसमें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मेरी सहयोगी गीतांजलि मेरे साथ इस पूरे मामले पर जो लगातार नजर रख रही हैं और ये बड़ा फैसला कहीं ना कहीं, गीतांजलि, क्योंकि महिलाओं के को लेकर जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं पूरे देश में हम देख रहे हैं, हाथरस का मसला हमने देखा और अब थाना गाजी का ये बड़ा फैसला कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से नजीर के तौर पर जो है सामने आया। एक नजीर है और सुमित ये कहना चाहिए कि बहुत बड़ी नजीर है और इस तरह के जो आरोपी हैं कहीं ना कहीं उनको लेकिन जो आरोपी हैं, जितने भी आरोपी हैं और इस तरह की जो मानसिकता रखते हैं लोग, सुमित, कोर्ट का ये फैसला उन लोगों के लिए एक नजीर से कम नहीं है और इस तरह के फैसले आने चाहिए। बल्कि इस फैसले में थोड़ा सा वक्त लिया गया है, जैसे अक्सर कहीं होता है, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करते हैं लेकिन उसके बावजूद फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी मामले जो है वो लंबित रहते हैं। इसमें भी हुआ लेकिन देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अब सुमित, अब इस पूरे मामले में समझने वाली बात यह है कि जो आरोपी हैं वो केवल यहाँ इस कोर्ट तक सीमित नहीं है, अब आगे की प्रक्रिया उनकी शुरू होगी। जैसे अक्सर हम देखते हैं आरोपी करते हैं, हाईकोर्ट का एक रास्ता विकल्प उनके पास बचता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बचता है। विधि क्या कहता है, किस तरह के एक्ट में इस पर आगे चलकर बातचीत होगी कोर्ट में, किस तरह की दलील रखी जाएंगी, ये सारी चीजें अभी बाकी हैं। लेकिन ये फैसला जो है ये वाकई एक सराहनीय के लिहाज से अगर हम समझे तो बहुत इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं, कि जिस तरीके से एक बड़ा फैसला यहाँ पर कोर्ट की तरफ से जो है वो सुनाया गया है थानागाजी गैंगरेप मामला,